हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामा द सिविल इंजीनियर्स लर्निंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जो कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, और कुछ लोग को दोस्तों पता होगा पहले से और कुछ हमारे भाई होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। जो कुछ फ्रेशर होंगे जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। जैसा कि दोस्तों इसमें व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, दोस्तों आपका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या होता है। जैसा कि आप देखेंगे घर और बनाते हैं आप या फिर बनता है आपका, तो वहां पे हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं तराई। तो दोस्तों इसमें बताया गया व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, जैसा कि आपका कम से कम कितने दिनों तक तराई करना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसमें जैसा कि IS 456 2000 रिकमेंड्स दैट क्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ कंक्रीट मस्ट बी एटलीस्ट 7 डेज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एटलीस्ट 10 डेज फॉर कंक्रीट विद मिनरल एडमिक्सचर। इट ऑल्सो रिकमेंड्स दैट द क्यूरिंग ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 10 डेज फॉर कंक्रीट ऑफ OPC एक्सपोज टू ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन एंड 40 डेज फॉर कंक्रीट विद मिनरल एडमिक्सचर इन हॉट एंड ड्राई वेदर। जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया है, जबकि आपका अलग अलग वेदर में और अलग अलग एडमिक्सचर्स जब आप मिलते हैं, जैसा कि OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का, जब आप वहां पे कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें जब आप एडमिक्सचर्स वगैरह ऐड करते हैं तो अलग अलग एडमिक्सचर्स के अलग अलग आपका ड्यूरेशन वहां पे जैसा कि क्यूरिंग का बढ़ जाता है। जैसा कि इसमें बताया गया दोस्तों आपका कम से कम 7 दिन का करना चाहिए अगर आपका वेदर कंडीशन जैसे कोल्ड या मॉडरेट हो, और आपका कम से कम 10 दिन करना चाहिए जब उसमें आपका एडमिक्सचर्स मिला है, मिनरल एडमिक्सचर्स मिला है, तो कम से कम आपको 10 दिन का करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपका उसमें बहुत हॉट और ड्राई कंडीशन है, जैसा कि कभी कभी गर्मियां होती हैं 40 डिग्री 42 डिग्री तक होती हैं, तो उसमें कम से कम हमको 10 दिन तक करना चाहिए। और उसके साथ अगर आप उस कंक्रीट में कोई आपका मिनरल एडमिक्सचर्स मिला रहे हैं उस ऐसी गर्मी में, तो दोस्तों वहां पे आपको कम से कम 14 दिन का वहां पे क्यूरिंग करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, इस इमेज के जरिए हम दिखा रहे हैं कि जैसा दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं आपका एक स्लैब कास्टिंग हो चुका है। इसमें दोस्तों ये आपका जैसा कि ये क्यूरिंग हो रहा है, दोस्तों इसी तरीके से वहां पे अभी तो ये स्प्रे करके कर रहा है आपका, वहां पे पॉन्डिंग कराते हैं, और भी कई तरीके होते हैं दोस्तों क्यूरिंग कराने का। तो यहां तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा क्यूरिंग का प्रोसेस। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया दोस्तों व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय M25 कंक्रीट। दोस्तों M25 कंक्रीट से आप क्या समझते हैं, अक्सर पूछा जाता है दोस्तों जब भी आप कहीं पे जाएंगे, अब जब भी RCC की बात आती है तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि आप M25 से क्या समझते हैं। तो दोस्तों वहां पे ग्रेड बताते हैं, ग्रेड नहीं होता है दोस्तों आपका, जैसा कि अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 के द्वारा M आपका वहां पे मिक्स को रिप्रेजेंट करता है और 25 आपको रिप्रेजेंट करता है वहां पे स्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया सेम चीज, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 M प्रेफर्स द मिक्स एंड 25 रेफर्स द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एट 28 डेज। दोस्तों जैसा कि बताया गया इसमें 28 डेज के बाद उसका जो भी स्ट्रेंथ गेन करता है उसे ही हम वहां पे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आप समझ गए होंगे आपका M25 क्या है। तो दोस्तों M आपका वहां पे मिक्स रेशियो को रेफर्स करता है और 25 आपका वहां पे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को उसको बताता है। दोस्तों अगला देखते हैं इसमें, जैसा कि व्हाट इज कोपिंग इन बिल्डिंग। दोस्तों कोपिंग क्या होता है, आप भी सोच रहे हो कोपिंग क्या है। दोस्तों जैसा कि आप देखे होंगे जब भी आपका घर बनाते हैं, आपका जब पैरापेट वॉल होता है या फिर आपका वॉल होता है बाउंड्री वॉल आप घर के सामने कराते हैं, दोस्तों जब ब्रिकवर्क बनवाते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे एक आपका वहां पे PPC का हम लोग लेयर कराते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये आपका बाउंड्री वॉल हो गया है। दोस्तों इस पे देख रहे हैं आप, ये एक कंक्रीट का यहाँ पे लेयर चढ़ाया गया है आपका PPC का, इससे ही हम वहां पे दोस्तों कोपिंग कहते हैं। इससे ये क्या होता है दोस्तों, जैसा कि बताया गया इसमें कोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट placed on the exposed top of an external wall, जो आपका external wall का exposed होता है उसे वो cover करते हैं वहां पे। तो दोस्तों इस तरीके से ये coping होगी आपको, आई होप की समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसा कि इसमें दोस्तों बताया गया है what is honeycomb in concrete। अक्सर दोस्तों पूछा जाता है कि honeycomb क्या होता है concrete में। दोस्तों इसमें जैसा बताया गया honeycomb also as a air pocket is nothing
बट देयर वॉइड्स इन कंक्रीट इट्स यूजली फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग। दोस्तों हनीकॉम्ब आपका कुछ होता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये अपने आप में बहुत कुछ होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं इस इमेज के जरिए, यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका जैसे कि कास्टिंग के बाद यहाँ पे फ्री वॉइड्स रह जाते हैं। देख रहे हैं ये हनीकॉम्ब की तरह आपको दिख रहा है, जो इसे ही हम हनीकॉम्ब कहते हैं दोस्तों। तो फ्री वॉइड्स रह जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे दोस्तों कभी कभी कॉलम होता है, कास्टिंग होता है, तो वहाँ पे आपका प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर नहीं चला पाते हैं। कभी कभी दोस्तों वहाँ पे लोग क्या कहते हैं, मेसन होते हैं, तो मेसन अपना काम चोरी की वजह से वहाँ पे जो लेबर्स होते हैं उनसे वहाँ पे वो वाइब्रेटर चलवा देते हैं, तो वाइब्रेटर कभी कभी ज्यादा चला देते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, और जहाँ कम चलाते हैं तो वहाँ पे हनीकॉम्ब हो जाती है। दोस्तों अगर हनीकॉम्ब आ जाता है दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर आपका ढंग से गेन नहीं कर पाता स्ट्रेंथ, तो इसलिए दोस्तों हमें इसका ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको हनीकॉम्ब समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसा कि इसमें दोस्तों है, व्हाट इज द लीस्ट कवर फॉर स्लैब बीम एंड कॉलम और फुटिंग। दोस्तों कवर क्या होता है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों अलग अलग जैसे कि मेंबर्स के लिए अलग अलग आपका कवर होता है, जैसा कि इसमें बताया गया है दोस्तों, स्लैब के लिए आपका 20 mm का कवर होता है, बीम के लिए 25 और कॉलम के लिए आपका 40 mm और फुटिंग के लिए आपका 50 mm का कवर देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका जैसे कि एक हमने इमेज लिया हुआ है, ये आपका दोस्तों यहाँ पे स्लैब है, स्लैब में ये दोस्तों यहाँ पे कवर लगाया गया है। कवर आपका इसलिए प्रोवाइड किया जाए जो आपका रेंफोर्समेंट होता है, बाहर एक्सपोज ना हो जाए वेदर में, उसे कवर करने के लिए हम वहाँ पे कवरिंग करते हैं। तो दोस्तों आप उसे ही हम वहाँ पे कवर कहते हैं, और बाकी जैसा कि यहाँ पे आपने देख लिया है अलग अलग मेंबर्स के लिए हम लोग वहाँ पे अलग अलग कवर देते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसा कि दोस्तों इसमें व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ स्टील आरसीसी एंड पीसीसी। यूनिट वेट क्या होता है दोस्तों यहाँ पे स्टील आरसीसी और पीसीसी का। तो दोस्तों जैसा कि इसमें बताया गया है, एज पर IS 456/2000 क्लॉज नंबर 19.2.1 यूनिट वेट, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं IS 456 में आपका क्लॉज नंबर 19.2.1 में दोस्तों वहाँ पे बताया गया है आपका आरसीसी का जो दोस्तों वहाँ पे यूनिट वेट होता है वहाँ पे दोस्तों 25 kN/m³ होता है, और पीसीसी का आपका दोस्तों 24 kN/m³, और स्टील का दोस्तों जैसा कि वहाँ पे 7850 kg/m³। ये दोस्तों आपका यहाँ पे यूनिट वेट होता है। दोस्तों आगे देखते हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्टड। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी हमसे पूछा जाता है और हमने पढ़ा भी होगा दोस्तों। जैसे कि कॉलम और स्टड क्या होता है, दोस्तों दिखने में तो दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका काम एक होता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे वो थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर और उनके जो नेचर होते हैं उसके वजह से वहाँ पे डिफरेंस होता है। जैसा कि आपको दोस्तों इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका जो वर्टिकल मेंबर है, जो वर्टिकल है इसे हम यहाँ पे कॉलम कहते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा जो इंक्लाइंड है इसे हम यहाँ पे स्ट्रट कहते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका जब भी जो हल्का आपका इंक्लाइंड होता है उसे हम स्ट्रट कहते हैं, और जो आपका वर्टिकल होता है उसे हम वहाँ पे कॉलम कहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कॉलम और स्ट्रट में यहाँ पे डिफरेंस। दोस्तों जैसा कि इसमें बताया भी गया है, कॉलम इज द वर्टिकल मेंबर ऑफ द फ्रेम स्ट्रक्चर एंड वेयर एज स्ट्रट इज कैन बी इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल एंड जनरली शॉर्ट इन लेंथ एंड कंपेयर टू द कॉलम। जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया है, आपका जो कॉलम है वो आपका वर्टिकल मेंबर होता है, स्ट्रट जो है आपका दोस्तों इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल दोनों में हो सकता है, और दोस्तों ये आपका जो लेंथ होता है स्ट्रट का वो आपका कॉलम के कंपैरिजन में शॉर्ट होता है। दोस्तों इस तरीके से आप कभी भी डिफरेंस इनके बीच का दोस्तों देख के भी आप फिजिकली बता सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं, जैसा कि दोस्तों इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट रेशियो इन वेरियस कंक्रीट मिक्स। जैसा कि मिक्स यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, M7.5, M10, M15, M20 and M25। दोस्तों इनमें आपका जैसा कि पूछा गया है मिक्स रेशियो क्या है, अक्सर हमसे पूछा जाता है दोस्तों जब भी हम साइट पे होते हैं या फिर हम दोस्तों जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपका ये ग्रेड है 7.5 के लिए आपका जो यहाँ पे है, होता है दोस्तों 148, वहाँ पे आपका 1 सीमेंट हो गया, 4 आपका यहाँ पे सैंड हो गया और 8 आपका यहाँ पे एग्रीगेट हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका M10 के लिए आपका हो जाएगा 136, 1 आपका सीमेंट हो जाएगा, 3 आपका वहाँ पे सैंड और 6 आपका वहाँ पे दोस्तों एग्रीगेट हो जाएगा। और M15 के लिए आपका 124, जैसा कि दोस्तों 1 आपका सीमेंट, 2 आपका सैंड और 4 आपका
दोस्तों वहां पे एग्रीगेट हो जाएगा। और M20 आपका दोस्तों 1, 1.5 और 3 होता है दोस्तों। 1 आपका सीमेंट, 1.5 आपका सैंड होता है और आपका 3 पार्ट वहां पे दोस्तों वहां एग्रीगेट होता है। और M25 का आपको दोस्तों सभी लोग को कोई पता हो चाहे ना हो, M25 सबको जनरली याद होता है। तो M25 का जैसा कि दोस्तों 1, 1, 2, 1 आपका सीमेंट होता है, 1 आपका सैंड होता है और 2 आपका वहां पे दोस्तों एग्रीगेट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम वहां पे आपका याद करने के लिए भी दोस्तों हम बता देते हैं, जैसा कि अगर आप कभी भी पूछा जाए तो दोस्तों इसको लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे कि अगर करना स्टार्ट करें याद करना, जैसे कि दोस्तों आपको जो भी पूछा जाए तो M25 के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका 1, 1 तो ये आपका कॉमन होता है, सब में सीमेंट कॉमन होता है दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आपका जो सैंड होता है, सैंड का जस्ट आपका ट्वाइस होता है आपका वहाँ पे एग्रीगेट। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आपका M7.5 का पूछा जाए तो 4 हो गया, तो 4 आपका यहाँ पे सेंड हो गया, तो 4 का आपका डबल क्या हो गया दोस्तों, 8 आपका यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा एग्रीगेट। इस तरीके से आपका दोस्तों अगर याद कर लेते हैं, आपका 1, 1 तो आपका याद ही हो गया, अगर आप सेंड वहाँ पे याद कर लेते हैं तो सेंड का जस्ट डबल कर देंगे तो वहाँ पे एग्रीगेट। तो इस तरीके से आप दोस्तों याद कर सकते हैं, इसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, जैसा कि दोस्तों इसमें पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। दोस्तों बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि स्टेयरकेस का आपका स्लोप कितना होता है। जैसा कि दोस्तों इसमें बताया गया है एज पर IS 456/2000 स्लोप जो होता है आपका स्टेयरकेस का 25 to 40 degrees होता है दोस्तों। 25 से लेके आपका 40 degrees तक आप वहां पे स्लोप दे सकते हैं। और दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है व्हाट इज राइजर थ्रेड एंड लैंडिंग इन स्टेयरकेस। दोस्तों आपका जैसा कि इसमें राइजर ट्रेड और आपका लैंडिंग पूछा हुआ है तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। जैसा कि राइजर दोस्तों यहाँ पे बताया गया, राइजर इट इज द वर्टिकल पोर्शन ऑफ द स्टेप प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द ट्रेड। जो दोस्तों इसमें वर्टिकल पोर्शन होता है आपका जो आपको ट्रेड का वहां पे सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है उसे हम वहाँ पे राइजर कहते हैं। और ट्रेड आपके लिए दोस्तों इट इज द टॉप पोर्शन और सरफेस ऑफ स्टेप ऑन विच फुट ऑफ असेंडिंग और डिसेंडर कम्स वेन गोइंग अप और डाउन। जैसा कि दोस्तों इसमें ट्रेड आपका जो जैसे हम जो इमेज के जरिए देखते हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका दोस्तों ये आपका जो स्लोप है, इसमें जो स्लोप के बारे में पूछा था दोस्तों आपका ये स्लोप यहाँ पे आपका 25 से लेके 40 डिग्री तक रख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं ये वर्टिकल पोर्शन है, इसे हम राइजर कहेंगे। और ये जो दोस्तों यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जिसमें आप अपना फुट रखते हैं चढ़ते हुए और उतरते हुए दोस्तों स्टेयर पे, तो उसे हम वहाँ पे ट्रेड कहते हैं। और दोस्तों ये जो आपका निकला हुआ पोर्शन हल्का सा होता है वहाँ पे, उसे हम नोजिंग कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, हमने कलर की वजह से आपको भी दिखा दिया है, बता दिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाए। जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं हल्का ग्रेइश कलर में जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पे ट्रेड हो गया। और दोस्तों ये जो आपका जो स्काई ब्लू है इसको दोस्तों यहाँ पे हम राइजर कहेंगे। और आपका दोस्तों ये हल्का ब्राउन कलर में जो है नोजिंग कहेंगे। दोस्तों आई होप कि इस तरीके से आपको सब समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे दिए गए नंबर पर आप जरूर से मैसेज करें, जो भी क्वेरी होगी हम जरूर से रिजॉल्व करेंगे। दोस्तों जय हिंद जय भारत।